तो भाई यार मैं आ चुका हूं एक और मजेदार गेम प्ले वीडियो लेकर के, और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कॉन्ट्रा। तो भाई यार आप में से बहुत सारे लोग इस गेम को पहचान रहे हो, क्योंकि यार ये 10-12 साल पुराना गेम है, और अभी के जो बच्चे हैं वो इस गेम को शायद ना पहचान पाए, क्योंकि यार ये गेम वो लोग खेले ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंट्रोलर मतलब ही नहीं पता है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो गेम है 10-12 साल पुराना इसलिए है क्योंकि ये एक कॉन्सोल गेम है। इसको हम लोग भाई टीवी में कनेक्ट करके कंट्रोलर के थ्रू रिमोट कंट्रोल से खेलते थे कैसेट लगा करके। अब तो ये गेम मोबाइल पे भी आ चुका है, तो मोबाइल पे आ गया तो मोबाइल पे भी तो खेलेंगे ना, और एंड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यार कंट्रोलर पे इस गेम को खेलना काफी ज्यादा आसान हो जाता था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे इसको खेलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि टच पे भाई कभी टच करना रहता है मेरे को नीचे के साइड में, टच हो जा रहा है आगे की साइड में, मेरे को टच करना है जंप पे, टच हो जा रहा है गोलियों पे। तो मोबाइल पे भाई थोड़ा हार्ड है, कंट्रोलर होता तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता, और मैंने कंट्रोलर पे ये गेम काफी बार एंड कर चुका है। भाई यार इस गेम को खेलने के बाद मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। भाई टीवी में लगा के इतना खेलता था ये गेम, और पप्पा से पिटाई भी खाया है इस गेम के लिए। आप लोग ने भी कभी पिटाई खाया है तो मुझे बताना जरूर, और आप में से बहुत सारे बंदे जो नहीं जानते मुझे कमेंट करना जरूर कि हाँ भाई आपको इस गेम के बारे में पहले नहीं पता था। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको भी फोड़ता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी मशीन जो लगी हुई है जिसमें से गोलियां निकल रही है उसको ब्लास्ट करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आगे जाके मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि अब आगे आने वाला है बॉस, और इस बॉस को तो हम लोग इजिली किल कर लेंगे क्योंकि मेरे पास एस पावर वाली गोलियां हैं। भाई ढेर सारी गोलियों के छल्ले निकल रहे हैं, अभी पहले इसको भी मैं किल कर दूं, यार ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अबे इसे गोली नहीं लग रही है क्राउच होने के बाद, अच्छा मैं अभी लग रही है इसको, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको भी हम लोग ने किल कर दिया है, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से भाई इस मशीन को फोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये एक बॉस है भाई, ऊपर में एक बंदा देखो चोरी चुप पे बैठा हुआ है, थोड़ा सा आगे जाऊंगा ये गोली चलाएगा, और मैं सोच रहा हूँ सीधा आगे की तरफ निकल जाऊं, उसका जो मेन भाई बॉस का जो पावर है वहां पे अटैक करते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई अटैक करते ही ये बॉस भाई ब्लास्ट हो चुका है, और ये पहला वाला स्टेज हम लोग ने इजिली कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज हम लोग का आ चुका है, इसमें हम लोग भाई लेफ्ट या राइट मूवमेंट ही ले सकते हैं, आगे तो नहीं जा सकते, आगे जाओगे तो करंट लगेगा। हाँ अगर भाई रोबोट को तोड़ दोगे तो आप आगे जा सकते हो। आगे हम लोग को एक छोटा सा बटन टाइप का कुछ दिख रहा है ना, उसको हम लोग को फोड़ना रहता है, वो फूट जाएगा तो आपका गेट तो अनलॉक हो जाएगा और आप आगे जा सकते हो। तो अभी फिलहाल जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे ना, और ये हार्ड होता जाएगा, और सामने जो छोटे छोटे एनिमीज टाइप के आ रहे हैं वो और ज्यादा आने लगेंगे। ये तो काफी ज्यादा इजी हो गया भाई, क्राउच होकर के हम लोग आराम से तोड़ दिए। अब हम लोग शायद ये लास्ट वाला तोड़ना होगा गेट को, ये लास्ट गेट को टूट जाएगा, नहीं यार ये लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट आएगा, और रे ये तो काफी जल्दी टूट गया यार। अब हम लोग का लास्ट फाइनल वाला होने वाला है, और सेंटर में ही हम लोग को शॉट लेना है। लेफ्ट राइट भी आप शॉट लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा सेंटर में ये जो बड़ा सा बटन टाइप का दिख रहा है ना इसको फोड़ दूं पहले। ये फूट गया तो गेट फूट गया, और गेट फूट चुका है। अब हम लोग फाइनल इस बॉस के पास पहुंचने वाले हैं। मैं पूरा साइड हो जाता हूं क्योंकि बॉस यार सेंटर में बहुत गंदा वाला गोली चलाता है। यहाँ पे भाई मैं सेंटर में से हट करके ये साइड में आ जाता हूँ, यहाँ से आई थिंक मेरी गोलियां लगेंगी, और बच गया सही जगह हूँ मैं। ये ले पहले ये वाली फोड़ देता हूँ मैं जिसमें से गोलियां निकल रही हैं, फिर उसके बाद इसके सारे बटन्स को भी हम लोग तोड़ देंगे जो चमक रहे हैं रेड कलर के। या एक एक तो हमने तोड़ दिया, दूसरा वाला भी तोड़ता हूँ। एक सेकेंड, नहीं मैं भागने की वजह से फूट गया, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। लोल यार मेरी अच्छी वाली गोली चली गई, कोई बात नहीं, इस साइड में खड़े होकर के मैं इसको फोड़ने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, थोड़ा सा और मेरे को राइट साइड हट जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास लाइफ बची हुई है। इसको पहले एक बार फोड़ देंगे तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ये फूट चुका है, अब टेंशन कम हो चुका है। अब ये दोनों जैसे ही बटन्स को हम लोग तोड़ेंगे ना, उसके बाद ऊपर में आ जाएगा बॉस। देखने के लिए तो ये आंखें हैं भाई, ये बॉस की आंखें हैं, लेकिन इस आंखों में से लाई लेजर निकल रहा है, और मुझे लेजर से भी बचना है और इस आंखों पे अटैक भी करना है। यहाँ पे जितनी ज्यादा अटैक करूंगा ये आंखें ब्लास्ट हो जाएगी, और समझ लो ये वाला भी हम लोग स्टेज इजिली कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यार इतना आसान नहीं है इसकी आंखों पे निशाना लगाना, लेजर से भी ये कभी कभी बच जा रहा है, और मूवमेंट भी ये काफी ज्यादा ले रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलाने की, आंखों पे 2-3 गोलियां ही तो लग रही है। इससे पहले मेरे पास जो पावर थी एस वाली वो रहती तो भाई मजा आ जाता, अब तक शायद हम लोग इस बॉस को इजिली किल कर देते, बट कोई बात नहीं, अब हमारी गोली वीक हो चुकी है ना तो इससे थोड़ा कम डैमेज लग रहा है। फिर भी मैं इस बॉस को किल करके ही रहूंगा। मूवमेंट मतलब यार बॉस एक जगह रुक जाओ 2 मिनट के लिए, तुम्हें किल कर रहा है। अरे ये रुकेगा मेरे लिए? घंटा नहीं रुकने वाला यार, लेजर भी नहीं रुक रहा है, चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है, बस करो यार, कितने लेजर है, खत्म नहीं होते क्या तुम्हारे लेजर? यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डैमेज हम लोग दे चुके हैं, 2-4 गोलियों का अब ये बॉस बचा हुआ है। नहीं यार 2-4 गोलियां तो मैं बहुत गोलियों से मार रहा हूँ,
फिलहाल बहुत बार तो ऐसी हो सिचुएशन हो रही है कि गोलियां साइड साइड से निकल जा रही हैं, इसको एक ही दो गोली लग रही है। और यहाँ पे भाई ये वाला भी स्टेज हम लोग ने इजिली कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग की एंट्री होने वाली है स्टेज थ्री में। स्टेज थ्री देखते हैं कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। भाई यार रिमोट कंट्रोल होता तो पूरा एंड कर देता, बट मोबाइल पे बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। टच कर रहा हूँ कहीं हो जा रहा है कहीं और पे। फिलहाल मैं आराम से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। और रे भाई पत्थर वत्थर गिर रहा है, बच गया भाई बच गया। रुको इसमें से देखता हूँ क्या मिलेगा। अरे एफ वाला नहीं चाहिए यार, एफ पावर वाली गोली मेरे को अच्छी नहीं लगती। बच गया यार, पत्थर गिरने वाला था मेरे ऊपर, मैं उसको नहीं लूंगा, मैं सीधे ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। लेजर, एल फॉर लेजर हो जाएगा। लेजर भी नहीं चाहिए यार, बेकार है। अरे 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 बच गया मैं। यहाँ पे तीन तीन गोली चला रहा है भाई, एक गोली चलानी चाहिए इसे। अजीब हाल है भाई, ये सब पावरफुल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। रुको इस ये पानी के अंदर छिपा हुआ था, अगर मैं ऊपर जाता ना तो ये भाई रॉकेट की तरह कुछ चलाता जिसकी वजह से तीन गोलियां निकलती और मैं किल हो जाता। फिलहाल यहाँ पे और ऊपर ऊपर हम लोग जाते रहेंगे, नीचे गिरने का भी डर होता है यार इसमें। पहले सोच रहा हूँ ये ऊपर में जो मशीन लगी है ना इसको फोड़ देते हैं, नहीं तो ऊपर जाने के बाद ये हम लोग को काफी ज्यादा परेशान करेगा। दो चार गोलियां तो लगी गई। अरे अरे भाई ये फूट गया, चलो अच्छा है जल्दी ही फूट गया, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर जैसे ही आ गया मेरे को यहाँ पे मिल गया है दो दो यहाँ पे बूस्टर। दोनों बूस्टर हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। बी वाला बूस्टर से हम लोग को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एनिमी का, और आर वाले से रिलोडिंग पे नहीं जाएगा हमारा गन भाई, लगातार गोलियां चलेंगी। तो अभी तक मेरे पास बी वाला जब तक बूस्टर है मैं तेजी से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एनिमी के टच करने का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनिमी उल्टा ही किल हो जाएगा। तो जब तक ये मेरे पास बी वाला बूस्टर है इसका यूज कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको फोड़ देता हूँ, नहीं तो ऊपर जाने के बाद पता चला ये मेरे को अटैक करेगा। लोल सही टाइम पे बच गया यार, बी वाला बूस्टर खत्म हो चुका है। ऊपर में देखो वो पानी के नीचे बैठा हुआ है गोला बम लेकर के, भाई मारेगा अभी। भाई भाई नहीं नहीं, अबे इसने फेंक दिया। बच गया भाई मैं बच गया, ऊपर में एक और बैठा है, अब मेरी मुसीबत बढ़ने वाली है। इसको पहले किल करता हूँ, चलो ये तो किल हो गया लेकिन इसने बूस्टर फेंक रखा था। अब मुझे गोलियों से बचना पड़ेगा यार, ये भाई गंदा वाला गोली चला रहा है। एस वाला ले लेता हूँ तो, अरे नहीं मैं एस लेने के चक्कर में था, एस वाला पावर ले लेता बहुत सारी गोलियां निकलती। और मैंने एस पावर ले तो लिया बट यहाँ लगातार गोलियां आ रही है, मैं बहुत गलत जगह पे स्पॉन कर रहा हूँ बार बार। इससे अच्छा होगा मेरे को यहाँ से निकल जाना ही बेटर रहेगा। अब मैं जंप लेकर ऊपर भी टच हो गया, अब मेरी मुसीबत बढ़ चुकी है भाई। पता नहीं मैं ये लेवल भी कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं, बट कोशिश पूरी कर रहा हूँ ये वाला भी स्टेज कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे मेरे को एम पावर वाला मिल चुका है, मैं इसको भी ले लूंगा। पहले इस रोबोट को फोड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से इसको गोलियां नहीं लग रही है, मेरे को इसको क्लोज जाना पड़ेगा। एक सेकंड में जंप लेता हूँ, परफेक्ट जंप यार बैठने। अबे मैं नी पीछे से आ रहा था, बच गया भाई बच गया, एनिमी आ रहा था बच गया साफ। यहाँ पे इस फोड़ते हैं इसको, हम लोग इस वाले मशीन को भी फोड़ चुके हैं। अब हमारे पास एम पावर वाली गोलियां तो हो चुकी हैं, बट यार ये बहुत अच्छा गोली नहीं है, इससे बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ नेचुरल वाले से थोड़ा तो ज्यादा डैमेज लगेगा। और ऊपर वाले एनिमी ने यहाँ पे भाई तीन गोलियां चला रहा है, एक गोली नहीं चला रहा भाई, एक गोली चलाता तो अच्छा रहता, तीन गोलियां भाई। अगर जंप भी ले लिया ना इसकी गोलियों के पास से तो एक गोली से बचूंगा, बहुत होगा दो गोलियों से, तीसरे से नहीं बच पाऊंगा। और यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग आ चुके हैं, आई थिंक यहाँ बॉस आने वाला है। और ये देखो कितना खतरनाक बॉस है, पहले हम लोग को इसके हाथ को तोड़ना होगा क्योंकि यार इसके हाथ में ही पावर है, हाथ का पावर टूटेगा तो फिर उसके बाद हम लोग इसके मुंह पे अटैक करेंगे, लेकिन इसका हाथ इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। लोल भाई ये तो गोलियां भाई कितनी सारी फेंक रहा है, तीन गोलियां तो मुंह से फेंक रहा है, एक एक गोलियां हाथों से फेंक रहा है। बट अच्छी बात तो ये है कि मैंने एक हाथ इसका फोड़ दिया, दूसरे वाले हाथ को भी हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुंह पे अटैक करना आसान हो जाएगा क्योंकि मुंह से भाई कोई दिक्कत उतनी नहीं होगी। जैसे ये गोली चलाएगा मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा साइड में, यहाँ पे आराम से रुक जाते हैं, फिर उसके बाद गोली चलाऊंगा। अबे भाई ये मुंह खोलेगा तभी गोली लगेगी क्या? लोल ये मुंह खोल रहा है तब इसे शॉट लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, रुक जाओ भाई तुम एक बार फिर से मुंह खेलो। अबे यार मेरे पास पावर होती तो मैं अभी जल्दी किल कर देता, बट कोई ना इसी से हम लोग अभी किल कर सकते हैं, अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे इस वाले बॉस को भी हम लोग ने इजिली किल कर दिया। अब हम लोग स्टेज फोर पे एंट्री करने वाले हैं, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं स्टेज हार्ड होता जा रहा है। अबे भाई ये तो और ज्यादा हार्ड आ चुका है, मेरे पास गोली भी नहीं है, ये तो भाई और ज्यादा हार्ड हो चुका है हम लोग के लिए। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से गोलियां चल रही है, और ये ग्रीन कलर के एनिमीज भी गोलियां चला रहे हैं, सामने करंट है और नीचे से रोलर वाला मशीन भी जा रहा है, उससे भी जंप लेकर के बचना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, अब हमारे पास लाइफ भी ज्यादा बचा नहीं है, एक दो लाइफ ही बचा है। अगर मैं गलती से भी किल हो गया तो फिर मैच यहीं पे गेम ओवर हो जाने वाला है।
बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और आगे चला जाऊँ, इसके बॉस को तो कम से कम देख लूँ। फिलहाल सेकंड स्टेज में जो बॉस आप लोग ने देखा था ना, वैसे ही बॉस इसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर से नीचे से रोलर कोस्टर आया और मैंने यार ब्लास्ट नहीं कर पाया भाई। ये मेरे पास पावरफुल अगर गन होता तो मैं उसको ब्लास्ट कर लेता, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे एक और बचा हुआ है उसको भी फोड़ देते हैं। ये रेड वाले पे अगर गोली को चलाऊंगा तो मेरे को दे देगा यार, लेकिन भाई रेड वाले को तो मैंने अटैक ही नहीं कर पाया, वो जंप लेकर भाग गया। उसको जैसे ही मैं गोली मारता ना वो मेरे को बूस्टर देता, अब कौन सा देता वो तो पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे और आगे हम लोग आ चुके हैं, नीचे से फिर से रोलर, मैं जंप लूंगा। अरे मैंने जंप सही टाइम पे लिया बट गोली लग गई मेरे को भाई, लास्ट वाला लाइफ बचा है मेरे पास, इसके बाद गेम एंड हो जाएगा, मेरे को बहुत बच के खेलना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, यहाँ पे इसको भी फोड़ दिया। अब फाइनल आने वाला है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि ऊपर से भी गोलियां चलेंगी, लेफ्ट साइड से भी। नहीं भाई, इसके बाद फाइनल है, अभी भी हम लोग सेफ है थोड़ा सा, पहले मैं इसको फोड़ता हूँ। एक सेकंड भाई, लगातार ये गोलियां चला रहे। अबे रेड वाला आया, लोल ये भी निकल गया। नहीं 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 भाई, मैं लेट करके ही गोलियां चला सकता हूँ इसको फोड़ने के लिए। चलो ये भी फूट ही गया। अब हम लोग फाइनल पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद के बाद पहुंचेंगे। ये वाला भी हम लोग का एकदम हार्ड वाला थोड़ा सा आएगा, इसके बाद फाइनल पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे सेंटर में है और रोलर कोस्टर, चलिए मैं बचने की कोशिश किया भाई। ये अपने आप ही जो बटन देख रहे हो ना, अबे नहीं यार, किसकी गोली लग गई मेरे को। लोल, यहाँ पे गेम हो चुका है ओवर। तो भाई यार कैसी लगी गेम प्ले वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।